सो गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू ट्रेडिंग एज प्रोफेशन अकेडमी। सो जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं कि यहाँ हम फाइव स्विंग ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला पहला स्टॉक है नौकरी, दैट इज़ इन्फो एज। आप जैसे ये डेली चार्ट देख सकते हैं कि ये अपने एक रेंज रेंज का ब्रेकआउट करें, ऐसे ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रिटेस्ट करके ऊपर गया ये, एंड अपने बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। अब जैसे कि आप वीकली चार्ट देख सकते हैं, वीकली चार्ट में ये डेली के 200 ईएम से ऊपर जा रहे हैं, सो दैट वी कैन से दैट इट इज़ बुलिश। सो हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान यही होना चाहिए कि जो रिस्क टेकर्स है वो यहाँ से अगर नीचे आए, यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 200 ईएमए ऑफ डेली। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे रेंज बनाएगा एंड अपनी डेली की 200 ईएमए को ब्रेक करेगा। तो जब जैसी ब्रेक कर आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आपका टारगेट अच्छा आ सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 5250, देन आपका नेक्स्ट टारगेट है 5700 एंड सो ऑन। सो ये आपका पहला ट्रेड हो सकता है, आप प्लान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्रेड है हमारा भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज का ये डेली चार्ट है, ये एक डेली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा है एंड यहाँ पे डेली की दो तीन कैंडल सेटल हुई है। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते, सो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसके रिटेस्ट होने का वेट करेंगे, या तो यहाँ आएगा तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, एक लेवल अच्छा है बाय करने के लिए, या तो फिर ये यहाँ भी आ सकता है और ये परफेक्ट लेवल होगा बाय करने का। अगर आप एक मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 2 3 हफ्ते महीने भर के लिए, तो आप यहाँ पे ट्रेड करिए, यहाँ पे फर्स्ट लीजिए 50% लीजिए, फिर बचा हुआ यहाँ लीजिए, एंड यू कैन गेट द टारगेट ऑफ 746 एंड 789, एंड आपका स्टॉप स्टॉप लॉस ये डेली के 200 के नीचे होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास मुथूट फाइनेंस। ये आप मुथूट फाइनेंस का वीकली चार्ट देख सकते हैं, ये अपनी 200 ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो इसको ट्रेड करने का प्लान ये होना चाहिए कि इसके पास एक रेजिस्टेंस है 1090 का। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर, स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एज वेल एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ऑल्सो अ स्विंग ट्रेड कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर द टारगेट ऑफ 1300, जो कि 30% होगा यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सेल। ये आप सेल का वीकली चार्ट देख सकते हैं, ये अपने अच्छे सपोर्ट 67 के सपोर्ट से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है और इसके पास इसका अच्छा रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 77.5 to 78। अगर आप को एक लॉन्ग टर्म ट्रेड इनिशिएट करना है, जैसे कि एक स्विंग ट्रेड भी हो सकता है और एक इन्वेस्टमेंट पिक भी है ये, अगर ये लेवल ये ब्रेकआउट करे 78, तो ये आपको बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है। जैसे कि आपका फर्स्ट टारगेट तो ये हो जाएगा 95, देन आपके पास टारगेट आ जाएगा 114, बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है आपको। एक स्विंग ट्रेड पे भी इनिशिएट कर सकते हैं एंड ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट पिक। दिस इज़ अ गोल्ड माइन आई कैन से, सस्ता भी है एंड बहुत अच्छी मूव्स भी करता है। सो आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं, बट आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास अग्रवाल इंडस्ट्रियल। अभी तक जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए वो सारे अच्छे एफएनओ स्टॉक्स थे, बट ये मैं आपके लिए एक स्मॉल स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बहुत पिटाई हो चुकी है एंड इस उनके पास स्पेस बहुत है ऊपर जाने के लिए। सो अगर मार्केट बुलिश हो गई तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा पिक निकल सकता है आपके लिए। ये इसका डेली चार्ट है एंड ये अपने डेली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला है, यहाँ पे दो कैंडल सेटल हुई है डेली की। इसका ट्रेड प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप 496 के लेवल के ऊपर से इसको प्लान कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। ये आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो गाइज, ये थे आज के पांच स्विंग ट्रेड्स। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए ट्रेडिंग एज प्रोफेशनल अकेडमी को। थैंक यू।